संसार के लिए भगवान भोलेनाथ की आधार बिंदु है। जय 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 अभयंकर अभयंकर ये तीर्थ पुंज जाल है। हर हर महादेव विधर्मियों के काल है। हर हर महादेव। पतित पावनी भागीरथी गंगा के किनारे अनेक पूजनीय स्थानों से भरा हुआ आर्यों का महातीर्थ हरद्वार। यहीं एक शिखर पर बना हुआ नागों की देवी मनसा का मंदिर है। माता मनसा के मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भीख मांगते हैं, परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि यही मनसा माता भगवान शंकर की मानस पुत्री हैं। ये मनसा देवी ही शिव कन्या हैं। एक बार जबकि स्वर्ग में देवी सरस्वती। धन्य है ब्रह्मदेव को जो ऐसी कला में कन्या के जन्मदाता है।
सत्या भगवान, सरस्वती जैसी ज्ञानमयी पुत्री सौ पुत्रों से बढ़कर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर, किस गहन विचार में लीन हो गए प्रभु? देव ऋषि, कितना मधुर होता है पिता पुत्री का स्नेह संबंध। गणेश और कार्तिकेय के साथ यदि आपकी भी एक कन्या होती, शिव कन्या। शिव कन्या? आपकी आंखों से गिरकर आपके मन मंथन के मोती ने इस पद्म पुष्प में एक महाशक्ति को जन्म दे दिया है। अब इसे स्थान कहाँ दीजिएगा भगवान? जहाँ से हमें किसी की पुकार सदा व्याकुल किए रहती, वहाँ पाताल में हमारी मानस पुत्री, हमारी मनसा पाताल में राज्य करेगी। देव ऋषि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भुजंग भस्मधारी, कब लोगे सुध हमारी? हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी। वांछाम परिपूर्णकारिणीम नमामि देवीम मनसाम पराम शिवाम, नमामि देवीम मनसाम पराम शिवाम। यह है भगवान भोलेनाथ की मानस पुत्री महादेवी मनसा। हमें अपनी शरण में ले लो माता मन से, शरणागत को शरण में ले लो महामन से। तथा क्या पुकार है तुम्हारी? पुकार देवी, जब त्रिलोक की रक्षा करने के लिए अमृत मंथन से निकला हुआ विश्व त्रिपुरारी स्वयं की तरह अचेत हो गए, तब विष्णुदेव के शरीर का विश्व इन्हीं नागों ने चूस लिया था, और आज इनके कंठ में पड़ा हुआ वही विष इनके जीवन का विष बन गया। और आज भगवान भोले शंकर के भक्त हमारा नाश करने पर तुले हुए हैं। शिव भक्त होकर शिव के श्रृंगार इन नागों का नाश करते हैं? कौन है ऐसे शिव भक्त? चंपक नगर का परम प्रतापी राजा शिव भक्त चंद्रधर। चंद्रधर, ओम नमः शिवाय। जगत पिता भगवान भोले शंकर की जय, महान भक्त चंद्रधर की जय। मंत्रीवर, महान चंद्रधर तो अपने एकमात्र देव चंद्र चूड़ामणि भगवान शंकर और माता पार्वती का पिता दयानंद, आपकी दया से ही चंद्रधर
अलका जैसी पुण्यमयी जीवन जीवन ऐसे सुपुत्र पुत्र रत्न तथा उनकी लक्ष्मी बहुओं से हरे भरे परिवार में सुख और शांति का जीवन बिता रहा। महाराज 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 हम लुट गए महाराज महाराज हम क्या हुआ महाराज आपके राम राज्य में बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे की लाज उठाने की नौबत आ गई महाराज काले क्रूर नाग ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। जिला दे दो महाराज मेरे बेटे को जिला दीजिए महाराज जिला दीजिए महाराज। शांत हो माता चंद्रधर के ऊपर जब तक भगवान भोले शंकर की दया और उसके पास माता पार्वती का वरदान महाज्ञान अमृत मणि है उसके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ओम नमः शिवाय भगवान भोले शंकर की माता मंगला गौरी की भक्त महाराज चंद्रधर की मैं पृथ्वी पर से इन बिस्तर नागों का नामो निशान मिटा दूंगा जिससे चंपक नगरी में ही नहीं सारे संसार में किसी माई के लाल को अकाल मृत्यु का सामना न करना। जय माता जगदम्बे। प्रणाम जगदम्बे। पधारिए देवर्षि ये कौन है? आपकी पुत्री भगवान भोले शंकर की एकमात्र दुर्गा अपनी माता को प्रणाम करो देवी। नारद जी तू क्या शिव शंभो तो क्या भगवान भोलेनाथ ने आपको कुछ बताया नहीं? इसकी माता कौन है? नमो नारायण। अब आप ही बोलो देवी। क्या बोलो माता ने पुत्री के प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया बस कल लड़की हमारी कोई पुत्री नहीं। हरे हरे नारद जी आप अपनी माया कहीं और जाकर रचाइए ना। चलिए देवी। नहीं बिना पिताजी के दर्शन किए मैं कभी नहीं जाऊंगी। पितृदेव भोलेनाथ मन से पितृदेव मन से पितृदेव पिताजी। बेटी ओम नमः शिवाय। प्रणाम मुनिराज। शिवोहम शिवोहम। उमर कौन है ये लड़की? हमारी कन्या शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय चार के परिवार में पंचमी पदी। अच्छा की उसकी माता उसे क्यों फोन रहे हो? उमा ठहरो उमा। ओम शांता। धन्य है मुनिवर जहाँ आपके चरण कमल पड़ी वहां जो कुछ हो तो कम है। आओ बेटी पहले तुम्हारी माता की शंका का समाधान करो। आओ आप भी पधारिए मुनिया। शिव शंभो शिव शंभो। बोलो दीदी अब तो शंका मिट गई है। मनसा हमारी मानस पुत्री है। शमाना मनसा बेटी तुम्हें बुरा मानना होगा नहीं तो माता। अरे मातेश्वरी माँ बेटी की मान मनोबल में इस ब्राह्मण को क्यों भूखा मार रहे हैं? श्री गणेश जी के बनाए हुए मधुर मोदक और आपके बनाए हुए पकवान खाने को जिभा कब से लालायित हो रही है। आप बड़े नटखट। शिव शंभो शिव शंभो। बोलो बेटी अचानक कैसे आना हुआ?
पितृदेव, आपने नागों को पृथ्वी पर न्याय दिलाने के लिए मनसा को नाग देवी के रूप में जन्म तो दिया, परंतु शक्ति नहीं। शक्ति? मनसा हमारी शक्ति का अंश है। ये सर्वसिद्ध देवी है मुनिवर, ये केवल आप मान सकते हैं, शिव भक्त नहीं। शिव भक्त होकर भी शिव कन्या को नहीं माने? हाँ भगवान, नहीं मानेंगे। जिस तरह अनन्य शिव भक्त रावण ने श्री राम को नहीं माना, बाणासुर ने श्री कृष्ण को नहीं माना, उसी तरह आजकल शिव भक्तों का शिरमौर चंद्रधर शिव और माता शक्ति के सिवा और किसी को नहीं मानता। शिव भक्त होकर भी जो शिव कन्या को नहीं मानेगा, तो हम समझेंगे वो हमारा सच्चा भक्त नहीं, अपनी भक्ति की शक्ति का इंकार है। जाओ मन से, सबसे पहले चंद्रधर की ही पूजा प्राप्त करो। धन्य है भगवान, नारद का नाम तो व्यर्थ बदनाम, आपकी लीला का भेद पाना भी सरल नहीं। क्या सोच रहे हैं देवर्षि? कुछ नहीं, यही कि जिसे झुकाने आप जा रहे हैं बड़ा हठीला शिव भक्त है वो। तो मैं भी शिव कन्या हूँ, पिताजी की कृपा से असंभव को संभव कर सकती हूँ। भक्त भगवान को अधिक प्यारे होते हैं, भूल गई माता पार्वती का वरदान, वो नागनाशक महाज्ञान में। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भगवान भोले
जगन्नाथ की आधार बिंदु है। जय 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 अभयंकर प्रलयंकर ये तेज पुंज जाल है। हर हर महादेव विधर्मियों के काल है। हर हर महादेव रंगे हुए हैं नाथ अपने रंग में विराज के गोविंद के संग में। हर हर महादेव हर हर महादेव शिवोम 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 शिव हर शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरनीशं। शिव हर शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरनीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं कलये काशीपुरनाथं। रुद्रं पशुपति मीशानं कलये काशीपुरनाथं। शिव हर शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरनीशं। शिव हर शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरनीशं। धन्य हो। ऐसा आनंद जीवन में हमने कभी नहीं पाया। रथ की गंगा बहाकर शिव का साक्षात करा दिया तुमने। मांग जो जी चाहे मांगो महाराज। हाँ हाँ धन दौलत राजपाट जो चाहो तो मांगो। बोलो महाराज। बोलो। मुझे मणिमाला देवी जी महाराज। हाँ अवश्य लो नक्की। महाराज महाराज ये क्या कर दिया आपने महाराज। जगदम्बे का वरदान महादान मणि एक साधारण नर्तकी को दे दिया आपने। नर्तकी नर्तकी तेरा यह साहस लौटा दे मणिमाला। कौन सी मणिमाला जो तूने अभी महाराज से ली उसके बदले चंपक नगरी का सारा राजकोष मांग ली। मैंने कोई मणिमाला नहीं ली राजमाता। झूठी फिर कहा गई वो मणिमाला। महाज्ञान मणि ये है चंद्रदेव। कौन है तू। नागों की देवी शिवकन्या मनसा। मायावनी मेरी माता का प्रसाद मुझे लौटा दे। अरे इसलिए महाज्ञान मणि है क्या चंद्रदेव। मैं तुझे इससे भी बढ़कर सुख और संपत्ति के अपार भंडार से निहाल कर दूंगी। किंतु किंतु इसी मंदिर में मेरा मंगलगढ़ स्थापित करके नाग देवी के रूप में मेरी पूजा कर और ओम मनसाई नमः कहकर ये पद्म पुष्प अर्पित कर ले पुष्प। मैं केवल भोलेनाथ का भक्त हूँ और किसी के सामने नहीं झुक सकता। चंद्रधर तेरा यह अहंकार तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। मना लीजिए महाराज। रुधिर की देवी को मना लीजिए। पागल न बनो रानी। सदा अपने इष्ट देव भगवान शंकर की पूजा में उठने वाले ये हाथ न किसी देवी देवता की पूजा कर सकते और न ये मस्तक किसी के सामने झुक सकता। मेरे जीवन का तो एक ही महामंत्र है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो मंशा नमो मंशा नमो मंशा। ये मनसा देवी मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। मैं सापों की पूजा करूंगा। मेरा कोई अमंगल ना करना। नमो मंशा। नंदू जय नंदू नंदू जय नाग देवी 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 जय नाग देवी। नाथ 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 मेरी बात। कौन मेरी कमला तू है। तू भी मंशा माता की पूजा कर। महाराज की इच्छा के विरुद्ध। हाँ महामणि चला गया। नाग देवी के नाग लोगों ने मुझे दस लिया तो तू विधवा हो जाएगी। तू विधवा हो जाएगी तो मेरी कमला विधवा हो जाऊंगी। हाँ मैं
डरो मत मेरे भोले राजा, भोले शंकर की कृपा से कुछ नहीं होगा। बोलो नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। कुछ भी नहीं होगा? जी हाँ, कुछ नहीं होगा। अरे मेरी कमला कितनी अच्छी है। नमो मनसा, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो मनसा, नमो नमो शिवाय, 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 हमें आपके दो माता मन से हम आपके अपमान का बदला अवश्य लेंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्ते शिव दुर्गे। ये नाग सेना क्रोध की फुंकारें छोड़ते हुए किसका नाश करने के लिए जा रही है? क्या चंद्रधर? हाँ मुनिवर, चंद्रधर। क्या उसने देवी की आराधना नहीं की? अपमान क्या है देवर्षि? नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव भक्त होकर शिवकन्या का अपमान किया? शिवकन्या का अपमान साक्षात भगवान शंकर का अपमान है, उसे उसका दंड मिलेगा। हम नाश कर देंगे, अपनी विस्मयी पुकारों से सारे संसार को नष्ट कर देंगे। शिव शंभो, शिव शंभो, संसार नष्ट हो जाएगा, चंद्रधर मिट जाएगा, फिर महिषा पूजन किससे कराओगे? चंद्रधर का नाश नहीं होगा। जाओ सारे चंपक नगर को अपनी विस्मय ज्वाला से भस्म कर डालो। ध्यान रहे चंद्रधर के जीवन पर आंच न आने पाए। जो आज्ञा महादेवी। ओम नमः। नाग रूपे भुंगार, नाग रूपे भुंगार, नाग रूपे भुंगार, नागों के दल बादल बनकर घुमड़ घुमड़ कर आए। देवी की आज्ञा सुनकर किस नगरी पर जाए, क्रुद्ध हो गई मनसा देवी, क्रुद्ध बने अंगार। नाग के भुंगार, नाग के भुंगार। अपनाए बालक नारी नर, हुआ सभी का जीवन दूबर। हाहाकार मचाओ नगर में, छोड़ चले घर बार, छोड़ चले घर बार, छोड़ चले घर बार। नाग रुके भुंकार, नाग रुके भुंकार, नाग रुके भुंकार। हमें नहीं, महाराज चंद्र को भी मथा देवी की पूजा करनी होगी। चंद्र सुखे तू जाने। ये सब क्या है? महाराज नागों के उपद्रव से भयभीत होकर लोग मनसा देवी की पूजा करने पर आमादा हो रहे हैं। मनसा की पूजा करना चाहते हैं? शिव भक्त चंद्रधर की नगरी में नाग देवी की पूजा नहीं हो सकती। यदि नाग देवी की पूजा नहीं की गई तो सिर्फ नगर का ही नहीं महारानी जी आपके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो महाराज को समझाइए। महाराज, 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 महाराज। हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। नगर में सूचना कर दो कि भगवान भोले शंकर के सिवा किसी देवी देवता की उपासना करना राजद्रोह समझा जाएगा। विरोध करने वाले को भारी से भारी दंड दिया जाएगा। महाराज, 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 महारानी जी, महारानी, टूट गया मैं, बर्बाद हो गया। मनसा के प्रकोप से इकलौता बेटा मर गया महारानी। चाहे मुझे भी राजदंड भुगतना पड़े, पति पुत्र और प्रजा के कल्याण के लिए मैं मनसा पूजन करूंगी। मैं मनसा पूजन करूंगी, अवश्य करूंगी। अब सर्वनाश हो जाएगा। महाराज ने मनसा पूजन की मना भी करा दी। पर प्रजा कल्याण के लिए राजमाता मनसा पूजन करने जा रही है। मनसा की पूजा? हाँ मनसा की।
महारानी जी मनसा की पूजा कर रही है। हमारे अपराध क्षमा करो माता मनसा, इस मंगल घट में पधार कर हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर दया करो नाग देवी, दया करो। माता जी, माता जी, माता जी। बेटा, माता जी क्या कर रही हैं आप? माता मनसा के कोप से सारे संसार को बचा रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, इसे हटा दो माँ, वरना पिताजी मैं किसी पे दया नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। इसे हटा दीजिए माता जी। इस मंगल कलश में माता मनसा नाग देवी की प्रतिष्ठा हो चुकी है। नाग देवी की पूजा भोलेनाथ का अपमान। राजा, आप परिवार के कल्याण के लिए उन्हें नाग देवी को मान्यता देनी ही पड़ेगी। हरगिज नहीं, महेश्वर और माता गौरी के सिवा चंद्रधर किसी को नहीं मान सकता। महारानी, मेरी पत्नी होकर मेरी श्रद्धा भक्ति पर ऐसा भीषण प्रहार कर रही हो। हटा दो झट को यहाँ से, हटा दो। नहीं नहीं नाथ, माता मनसा का अपमान न कीजिए। देवी नहीं, दानवी विस्मयी नागन। स्वामी, 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 नाग देवी का कोप हमारा सर्वनाश कर देगा। नहीं रानी, जब तक मेरे हृदय में शिव भक्ति की ज्योति जगमगा रही, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनसा भी नहीं, कोई नहीं। जय भोलेनाथ, जय महादेश्वरी जगदम्बे। भक्ति के अहंकार ने आपको अंधा बना दिया, देखते क्यों नहीं नागों के फुंकार से सारा नगर स्मशान बन गया है। मैं महाकाल बनकर इन विषैले जीवों का पृथ्वी पर से नामो निशान मिटा दूंगा। कहां कहां से मिटाइएगा वो देखिए। आज इष्ट देव भुजन भस्मधारी महादेव के शरीर पर भी उदय का श्रृंगार बना बैठा है। भोलेनाथ, 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 आज से ये क्रूर नाग मेरे इष्ट देव के शरीर पर भी नहीं रहने पाएंगे। दिलाने के लिए भक्ति ऐसी कठोर परीक्षा। अग्नि परीक्षा दिए बिना स्वर्ण में चमक नहीं आती देवी। अग्नि परीक्षा में जलकर चंद्रधर का अहंकार भस्म हो जाएगा और रह जाएगी केवल निर्मल भक्ति। फिर उसकी समदृष्टि से सारे भेदभाव सदा के लिए दिखते हैं। नहीं भगवान, उस परम भक्त का शेष आपकी अटल भक्ति में कट जाएगा और किसी अन्य के आगे कभी नहीं झुकेगा। बहे जा रही, बहे जा रही, बहे जा रही, बहे जा रही, बहे जा रहे कुल के दीपक नहीं नयन में पानी। अटल हिमाचल सा ठहरा है अपने प्रण का मानी, अपने प्रण का मानी। शिव की अटल भक्ति के कारण भूला जगत कहानी। अपने ही हाथों से काटी कुल की बेल सुहानी,
महाभक्त की महाभक्ति ने हरि को भी पिघलाया। अपने त्याग तपस्या से देवी का शीश झुकाया, देवी का शीश झुकाया। ओम धन्य है भक्त चंद्रधर, तुमने मेरी पूजा नहीं की परंतु मैं तुम्हारा आदर करती हूँ। ओम अगर ऐसे महापुरुष से मुझे पूजा न मिली तो मेरा देवर तो व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम मेरे पिता भोलेनाथ की। तू ही कितनी भोली हो मन, बस इतनी सी बात को निराश हुई थी। मुनिवर उसने अपनी शिव भक्ति को छह छह पुत्रों का भी बलिदान कर दिया। ये कुछ भी नहीं, ये शिव भक्त तो अपनी भक्ति की हम पर सारे संसार को नष्ट कर दे, पर अहम न किसी का रहा है न रहेगा। ये सब भोलेनाथ की लीला है, वही परीक्षा ले रहे हैं, चाहे अपनी समझो चाहे परीक्षा। भोलेनाथ महारानी, महारानी महारानी एक दुखी आभागर महाराज, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा कुलदीप। इस बेटे को खोकर माँ का कलेजा फट जाता है, मुझसे मेरे छेछे लाल छीन लिए गए और मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरा भी गला घोट दीजिए महाराज, मेरा भी गला घोट दीजिए। पुत्रों को शिव भक्ति की भेंट चढ़ा चुके महाराज, अब उनकी आभागन माँ को भी माँ काल पर बलिदान कर दीजिए, कर दीजिए महाराज। बलिदान चलिए महाराज। आप अपने गर्भ के बालक का तो ख्याल कीजिए, अब वही हम सबकी आशा है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता अर्जुन देव, मेरी यात्रा का प्रबंध करो। महाराज जाने से पहले कम से कम अपने जन्म लेने वाले कुलदीपक को तो देखते जाइए। जब छह छह निर्मोही मुंह मोड़ कर चलती तो आने वाले का क्या मोह अर्जुन देव। अब तो मैं गंगा मार गंगाधर की शरण में कैलाश पर जाकर तपस्या करूंगा। ओ नमामि तमीताम निर्वाण रूपम विभुं निरापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम अजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासम् भजेऽहम्।
पंजू ले चल, मनसा नमा कहकर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी आपत्तियां दूर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो भोलेनाथ। जाग उठे त्रिपुरारी, जाग उठे त्रिपुरारी, ज्योतिर्लिंग स्वयंभू जाग, शिव शंकर त्रिपुरारी। जाग उठे त्रिपुरारी, जाग उठे त्रिपुरारी, कृपा सिंधु ने दिया सहारा, महामृत्यु से भक्त युवारा, चले उसी को हृदय लगाकर श्री कैलाश बिहारी। जाग उठे त्रिपुरारी। लक्ष्मेंद्र, राजकुमार लक्ष्मेंद्र की जय हो। लक्ष्मेंद्र नाम निकला है राजमाता। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की तरह सुंदर सलोला, आज यदि इसके पिता यहाँ होते न जाने वो कहाँ होंगे। कैसे पहुंचाऊं हम तक ये शुभ समाचार। मेरे स्वामी, भोलेनाथ, मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। ओ मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। मेरी टूटती आशा को भीड़ बधाने वाला कौन भोलानाथ रे। ओ मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। दुख की उठे घटाए जब विपदा के बादल छाए, कछु ना पड़े दिखाई, मनवा पग पग ठोकर खाए उस अंधकार में, अंधकार में आशा दीप जलाने वाला कौन भोलानाथ रे। ओ मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। दुख के कांटों में सुख के फूल खिलाने वाला कौन भोलानाथ रे। ओ मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। बन बन बात बिगड़ जाए और घोर निराशा छाए, भाग्य बने विपरीत जिसे सारी दुनिया ठुकराए, ठुकराए जिसे, ठुकराए जिसे दुनिया, उसको अपनाने वाला कौन भोलानाथ रे। ओ मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौन भोलानाथ रे। मेरी टूटती आशा को धीर बधाने वाला कौन भोलानाथ रे। भोलानाथ रे, भोलानाथ रे, भोलानाथ रे, भोलानाथ रे, भोलानाथ रे, भोलानाथ रे, भोलानाथ रे।
नहीं पुकारा बालक, मैं तो अपने सदाशिव को पुकार रहा हूँ। अरे सदाशिव तो मेरा भी नाम है। अच्छा तुम्हारे शिव कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं बालक। क्यों? सब जगह होते तो यहाँ क्यों नहीं आते? मैं तो जब तक अपने हरि को पुकारता हूँ और दूर दूर से नंगे पांव चले आते हैं। बोले बालक, शायद मेरी पुकार में तुम्हारी पुकार की लगन न होगी, नहीं तो मेरे देवता भी मेरे पास चले आते। वो तो भंग के नशे मस्त होकर पड़े रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ, बड़े निष्ठुर हैं वो। दुष्ट बालक, चंद्रधर अपने गुरु निंदक का मुंह स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करता। लो भाई तुम तो नाराज हो गए, चलो मैं जाता हूँ। अब सदाशिव कहेगा मुझे फिर मत पुकारना। पागल, सदाशिव जी तो मेरे जीवन का महामंत्र है। शिवो शिवो। ये तो बड़ी आफत है, तुम सदाशिव का नाम लोगे और मुझे खाते पीते सोते जागते भागना पड़ेगा। अच्छा तो जल्द जल्द क्योंगे जल। धन्यवाद। इस तरह सर्वसहीन और देवी क्या सकता है, जब भोलेनाथ सामर्थ्य देंगे तो अवश्य दूंगा जो इस उपकार के बदले में मांगो। देखो भूल नहीं जाना। ये कैसा सुख, अपने पिताजी को प्रणाम करो। लक्ष्मण स्वामी, आज तुम्हारा लाडला 5 वर्ष का हो गया। पता नहीं क्या खेल खिला दे किसको कहाँ विधाता, कभी बनाए भूख भिखारी पथ का कहीं बनाता। पता नहीं क्या खेल खिला दे किसको कहाँ विधाता, कभी बनाए भूख भिखारी पथ का कहीं बनाता। इधर दुलारा पुत्र दान दे, देवी दैव मनाता, दैव को पुसे उधर पिता, मरघट में कफन चुराता, मरघट में कफन चुराता। इधर दुलारा पुत्र दान दे, देवी दैव मनाता। तुमने मुझे इस महापाप से बचा लिया। लो भाई इस कफन के टुकड़े पर तुम्हारा ही हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फेरो, तुम महाकाल के भक्त मालूम होते हो। लो ये टुकड़ा तुम्हें दान कर दिया। मैं किसी का दान नहीं लेता भाई। हाँ इस टुकड़े के बदले में 1 मास तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा। अच्छा भाई लो। ओम Thank you.
से, ब्रह्म भोजन कराने से या यज्ञ दान करने से महाराज का पता नहीं मिलेगा। महारानी से क्या है? महामंत्री आ गए महारानी से। महामंत्री? महारानी, महारानी, मंत्री वर, महारानी जी, महामंत्री, महामंत्री, आपकी क्या हालत? महाराज कहाँ है? महाराज, और इस तरह सागर के प्रलय में सब कुछ समाप्त हो, मैं जब तूफान में बहता हुआ निकल गया तब तक महाराज जीवित थे और भोलेनाथ की कृपा से आप भी जीवित हो सकते। महारानी जी, आपका लक्ष्मींद्र, बेटा लक्ष्मी, मंत्री चाचा को प्रणाम करो। हमारा कुलदीपक, चंपक नगरी के आंखों का तारा। महामंत्री जी, हम पिताजी की खोज करेंगे, हृदय में आशा और विश्वास की अमर ज्योति जलाकर पृथ्वी का कोना कोना छान मारेंगे। धन्यवाद माता। माता, अरे भरपेट भोजन कर लो। मंता माता की जय, मंता माता की जय, मंता माता की जय, मंता माता की जय। भोजन करो, ओम ममता नमः कहकर भोजन करो, ये इन्हीं का प्रसाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण संकट में है फिर भी इतनी अटल भक्ति, धन्य है चंद्रधर तुम्हारी भक्ति को। सामने के पतिकाश्रम में चला जा लक्कड़ हरे, वहां एक राजा का बेटा अपने पिता को खोई तो बड़ा पुण्य दान कर रहा है। नीलाधर की लीला को कब जान सके संसारी, कल का राजा भटक रहा है बनकर आज भिखारी। समय समय के खेल निराले खेले नित्य विधाता, भाग्य चक्र से पिता भिखारी पुत्र बना है दाता। सब कुछ सह कर धीरज धर कर चलता धीरज धारी। लो बाबा, कल का राजा भटक रहा है बन के आज भिखारी। ये क्या रहे, भिक्षा लेके राजकुमार को आशीर्वाद दो बाबा। ये लकड़ी का बोझा ले लो और मुझे खाना दे दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम खाना खाओ। भिखारी, इस तरह मत देखो भिखारी, मेरे लाल को नजर लग जाएगी, भिक्षा ले लो। भिक्षा नहीं चाहिए। अच्छा ठहरो, बोझ दे दो और भोजन ले लो। चंद्र चूड़ामणि, भगवान भोलेनाथ तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज, 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 महाराज चंद्रधर, महामंत्री,
महाराज स्वामी स्वामी महारानी स्वामी महाराज बेटा लक्ष्मीन्द्र तेरे पिता मिल गए पिताजी लक्ष्मीन्द्र पिताजी बेटा बेटा पिताजी मम्मोने हरवाले जय शंकर जय शंकर महामंत्री महाराज चंपा नगरी को प्रस्थान करने से पहले हम यहीं भोलेनाथ का पूजन करेंगे जैसी आज्ञा हो महाराज ओम ओम ईश्वराय नमः माधवाय नमः हर हर गंगे जय चंद्र चूड़ामणि जय भोलेनाथ आज माता मनसा की कृपा से मेरी बच्ची बच गई मनसा की कृपा से नहीं भोलेनाथ की कृपा से जय भोलेनाथ जय महामृत्युंजय जय चंद्र चूड़ामणि महामृत्युंजय की कृपा से बची पगले भोलेनाथ और मनसा में अंतर ही क्या है चुप रहो त्रिलोक में भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं इतना अभिमान है तुम्हें अपने भोलेनाथ पर ये अहंकार अपने इसी अहंकार पर मुझे गर्व ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पैरो माई तुम तो ममता का पूजन करके नगर में प्रसाद बंटवा दो अच्छा बाबा जो सतवान मिले
माता से वरदान मांग रही थी, माता जगदम्बे और भगवान भोले शंकर की यही इच्छा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। विपुले, तुमने उसके गले में माला को पहना दी, अगर उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो जो कुछ भी हुआ है माता जगदम्बे और भगवान सदाशिव की इच्छा से हुआ है। और भोलेनाथ की इच्छा को टालने की शक्ति किसमें है बेटी? मैं लक्ष्मेंद्र का पिता चंद्रधर हूँ बेटी, तुम निश्चिंत रहो, तुम ही लक्ष्मेंद्र की लक्ष्मी बनकर चंपक नगर के राजमहल में आओगी। ओम कैलाशपति शंभु महादेव, मम शंकर जय हर हर महादेव। ओह क्षमा, ये क्या किया? मनसा देवी का प्रसाद गिरा दिया तुमने। मनसा, ये कौन सी देवी? हमने तो इस देवी के नाम सुना ही नहीं। अरे वो नागदेवी है। नागदेवी? हाँ नागदेवी, तुम देवी की हंसी उड़ा रही हो। ओ, तो तुम भी उस नागदेवी के भक्त हो? मत लड़की, नहीं तो रोना पड़ेगा। तूने देवी का अपमान किया है, घोर अपराध किया है। अपराधी ने? झूठ है, ये अपराध मैंने जान के नहीं किया। तो सुनो, जिसके ध्यान में खोकर तुमने नागदेवी मनसा का अपमान किया है उसका नाश हो जाएगा। झोंकिनी, वो मेरे सर्वस्व, मेरे पतिदेव है। तेरे पतिदेव की विवाह के रास्ते आपके दसने से मृत्यु हो जाएगी। योगिनी, ये झूठ है, झूठ है। जो वर मुझे माता पार्वती के वरदान से मिला है उसे त्रिभुवन की कोई शक्ति नहीं छीन सकती। तो ये श्राप भी महादेव मनसा ने दिया है, उसे कोई नहीं जूठा कर सकता। इतना अहंकार तो तुम भी याद रखना, तुम्हें भी एक आर्य लल्ला का श्राप है कि जिस पुण्य बल के अभिमान से तुमने एक निरपराध कुमारी को श्राप दिया है वो तुम्हारे पुण्य बल, तुम्हारा श्राप सत्य होते ही नष्ट हो जाएंगे। तुम देवी नहीं दानवी बन जाओगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगत माता, मुझे शक्ति दो कि अपने गौरवशाली देश के महान सत्यों के जीवन का आदर्श मेरे जीवन की साधना बनी रहे। माता जगदम्बे, तुमने राजपाट त्याग कर योगी पति के साथ जोगन बनकर रहने में ही अपना जीवन धन्य समझा। माता, इसी तरह मैं भी सीता सावित्री अनुसुईया की तरह सदा अपने पति की छाया बनकर हर अग्नि परीक्षा में सफल रहूं। मुझे शक्ति दो माँ कि मैं अपने पति भक्ति से विधि के विधान को बदल दूं। चिंता न करो बेटी, हमने भलीभांति तुम्हारे जन्म लग्न और ग्रह दिखलाए हैं। अरे तुम्हारा सौभाग्य तो अटल है। तब तो जोगन का श्राप झूठा होगा माता जी। बिल्कुल, नियमित मंगल से लगने की शक्ति त्रिलोक में किसी में नहीं है। हम आज ही तुम्हारी जन्म पत्रिका लेकर पुरोहित जी को चंपानगर भेज रहे हैं। और निमंत्रण भी, माता जी आज से विवाह से पहले इनके मन मंदिर के महादेव के दर्शन कर ले। महाराज, सुंदर संयोग है, इस कन्या का सौभाग्य अखंड है। सब तो विपला का सौभाग्य सिंदूर स्वयं यमराज ही नहीं मिटा सकते। परंतु महाराज, मनसा का श्राप, आचार्य देव, जो विवाह स्वयं भगवान भोले शंकर और माता जगदम्बे के आशीर्वाद से हो चुका हो उसे कौन रोक सकता है? स्वयं मनसा भी नहीं रोक सकती। अपने इस देव की कृपा से विवाह की रात अपने बेटे को मैं बचाऊंगा। मेरे बेटे की सुहागरात इन महलों में नहीं मनाई जाएगी। महाराज, राज महलों से दूर नगर के बाहर
एक लोहे का सौभाग्य ग्रह बनवाने का आदेश विश्वकर्मा को दीजिए, जिसकी दीवारें ऐसी सपाट हों कि सांप तो सांप एक चींटी भी न चढ़ सके। नहीं नहीं, तभी नहीं माताजी, ये विवाह कभी नहीं हो सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर क्यों नहीं हो सकता? अरे बताऊं कैसे बताऊं, और बताता हूं, और कहीं मेरी कमला मर गई तो? अरे मैं नहीं मरती वरती, मैं अमर फल खा कर आई हूँ। बता दो क्या बात। बताऊं, कहीं जगत माता तू मेरी कमला की रक्षा करे। माता जी, विधवा को मेरी माता ने श्राप दिया है। श्राप? हाँ, विवाह की रात तो ही वो विधवा हो जाएगी। क्या कहते हो? सच कहता हूँ माता जी, कृपा करके ये विवाह बंद करवा दीजिए माता जी, कृपा जी। ओम नमः। ओम विवाह पक्का हुआ? विवाह तो जगत पिता भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बे की कृपा से कब का पक्का हो चुका है। लाले शाम जी, अपने परम पूज्य ससुर जी के चरण छुओ, आज से यही तुम्हारे पिता है। भगवान भोलेनाथ और माता भगवती सदा मंगल करें। तुम्हारे माथे का सौभाग्य सिंधु सदा यूं ही दमकता रहे। ओम नमः शिवाय। अरे महाराज, मुझे तो मालूम हो गया है। महारानी, एक शापित कन्या के साथ मैं अपने बेटे की जीवन डोर नहीं बांध सकती, ये संबंध अब नहीं हो सकता। संबंध तो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने करा दिया, जो उनकी इच्छा उसे हम कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते, और महाराज आपकी हटेली शिव भक्ति छीछे लाल लुटा चुकने वाली एक आवागन माँ अब अपने जीवन की एकमात्र आशा को मनसा के शाप के जाल में नहीं झोंक सकती। विपुला, मनसा का श्राप, मनसा का श्राप झूठा करने का उपाय हमने कर लिया है रानी। वो लोहे का सौभाग्य ग्रह बनवा कर महाराज आप तकदीर को तकदीर से बदलने का खेल खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने बेटे के जीवन के साथ ऐसा भयानक खेल नहीं खेलने दूंगी। चल बेटा, चल मेरे साथ। तेरे पिता मनसा के श्राप को चुनौती देकर तुझे लोहे की दीवारों में बंद करना चाहते हैं। उससे पहले ही मैं तुझे अपने ममता के दामन में छुपा कर कहीं दूर भाग जाऊंगी, दूर भाग जाऊंगी। चल मेरे साथ, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। चल बेटा, चल। ये कैसे हो सकता है माँ? तुम मनसा के श्राप से इतनी भयभीत हो उठी और जगत माता के वरदान को तुमने कुछ नहीं माना। पुत्र प्रेम में पागल होकर तुमने सदाशिव की इच्छा और पिताजी के विश्वास को भी कुछ नहीं समझा। अपने इष्ट देव और मंगलमय माता पर विश्वास रखो माँ। तुम्हारी कुलवधु के माथे पर उनका लगाया हुआ ये अमीर सौभाग्य तिलक मिटाने की शक्ति सारे त्रिभुवन में किसी में नहीं। ओम नमः शिवाय। विपुला, आप तुम्हारी कुलवधु, तुम्हारे घर की लक्ष्मी हमें आशीर्वाद दो माँ। अखंड सौभाग्यवती हो मेरे को माता जी। आपके पुत्र का जीवन ही अब मेरा जीवन है। हम दो शरीर एक प्राण हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, विधाता भी नहीं। आओ मेरे बच्चों। ओम बोले, मेरी सौभाग्यवती लक्ष्मी, आज से लक्ष्मी नृत्य तुम्हारे हवाले है बेटी। जाओ बेटा, महामृत्युंजय तुम्हारी रक्षा करे। ओम स्वामी।
तुम राजमहल में जाओ अंकित, मैं रात जाकर यही द्वार पर बिताऊंगा। मैं भोर होते ही धूमधाम से अपने बच्चों को लेने आऊंगी वहां। हमारे चारों ओर प्रेम का आनंद सागर लहरे ले रहा है। आओ, इस अमृत सिंह में समा जाए, सदा खोए रहे इस आनंद प्रेम समाधि में। नहीं ना, सोए नहीं, खोए नहीं, पाए और सदा पाते ही रहे। हमारे सौभाग्य गगन पर ये पूनम का चांद सदा यूं ही जगमगाता है। जागे चांद गगनी मेरे चांद, मेरे चांद, मेरे चांद तुम सोना नहीं। जब तक जागे चांद गगनी जिल मेरे तारे करते सारे, मिलन के आनंद से भर गया। अब कैसी भूख और कैसी प्यास,
महाव्रत तो पूरा हुआ, अब पहला प्रसाद अपने ही हाथ से दो अन्नपूर्णी। जो आके अभी प्रसाद लाती हूँ। Thank you.
बस करो महारानी। ये कैसी कसौटी है? महामंत्री, शव के महाप्रस्थान की तैयारी करो। गंगा माता इसे भी गंगा धर के पास ले जाएगी। बहू के सौभाग्य चिरतारने होंगे महाराज। बड़ी बहू विफला के सौभाग्य। मामी शिव तो मेरे सौभाग्य को कोई न हाथ लगा, मेरे सौभाग्य का विपले। महाराज, भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग की तरह कठोर और कर्तव्य निष्ठ होकर आपकी आंखों में आंसू। मैं हार गया भोलेनाथ। नहीं पिताजी, हार आपकी नहीं, मनसा की होगी। जगत माता और जगदीश्वर के वरदान से बंधे हुए हमारे अटूट बंधन को मनसा तो क्या त्रिलोक की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। उठो, जागो मेरे जीवन भर, जागो। नहीं जागते विपुले, लक्ष्मेंद्र मौत की नींद सो गया। मौत? नहीं पिताजी, कट्टर शिव भक्त ने शिव उपासना में समाधि लगा ली है। मैं जगत माता उमा की तरह तपस्या करूंगी, घोर साधना करूंगी और इस अनंत समाधि में से इन्हें जगा दूंगी। यह असंभव है बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? यदि सती सावित्री के सतीत्व से सत्यवान लौट सकता है, यदि सती नर्मदा की प्रतिभक्ति सूर्य की गति को रोक सकती है, तो विपुला भी अपने सतीत्व के बल से मौत को जीत सकती है, भाग्य को बदल सकती है, अपने प्राणेश्वर को जगा सकती है। पिताजी, सामने उदय होते हुए सूर्यदेव मेरे इस महाव्रत के साक्षी। 6 मास पूर्ण होते हैं, मैं अपने पतिदेव को इस समाधि से जगा दूंगी, जगा दूंगी। सती के महाव्रत की जय। आशा का अमर दीप जलाए, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम सती के सत की नैया जिसमें उसका प्राण है, पता नहीं किस देश सुहागन के सत का वरदान है। ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी। सती अपने आंसू पिए जा रही, वो अर्थी पिया के लिए जा रही, न कोई खवैया न पतवार है, चली सामने उसके मझधार है। किनारे का दर्शन कभी पाएगी, कभी पाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी। Thank you.
एक दुल्हन का श्रृंगार है, ये उजड़ा सुहागन का संसार है। अमर ज्योति मन की सजाने से ली, बुझा प्राण दीपक जलाने से ली, बुझा दीप फिर क्या जला पाएगी, क्या जला पाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी, ये नैया न जाने कहाँ जाएगी। माँ, मानसी, तुम्हारी ये दशा तुम्हारे वरदान की शक्ति से दिए हुए उस बालिका के श्राप द्वारा मेरा देवत्व नष्ट हो गया। मेरा उद्धार करो माँ। मेरे पास उद्धार की आशा लेकर आई हो, मेरे ही वरदान को अपने श्राप से नष्ट करके? नमः शिवाय, नमः शिवाय। जगत जननी के वरदान को कौन नष्ट कर सकता है? अपनी पुत्री का कल्याण करो महादेवी। देवर्षि, मैं पुत्री का पक्षपात करके संसार की सती के साथ अन्याय नहीं कर सकती। चलो देवी, अपनी पुत्री को निराश न लौटाना। हरिओम। इसका उद्धार करो देवी। सती के शाप को मिटाने की शक्ति देवताओं में कहां? उसका उद्धार तो स्वयं सती कर सकती है भगवान। मानसी, तुम्हें भी उस तपस्वनी सती के साथ साधना करनी होगी। उसका महावर्त पूर्ण होने पर ही तुम्हारी पुण्य शक्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी। तब देवलोक और मानव लोक दोनों की ही विजय होगी, दोनों का ही कल्याण होगा। सारा त्रिभुवन शिव कन्या मनसा की जय जयकार से गूंज उठे कि धन है नटराज, आप तो पूरे नटराज हो। शिव शंभो, शिव शंभो। सुंदर शिकार। सावधान, वापस लौट जा, वापस लौट जा। मैं लौट जाऊं इस रूप को छोड़कर? दूर हो जा, दूर हो जा निरादम। दूर हो जा, जय मातेश्वरी जगदम्बे। Thank you.
मेरा इस संसार में और कौन है? तुम्हारे ही अमर वरदान पर विश्वास रखकर मैं तुम्हारे चरण आई हूँ। सती की लाज रख लो महासती, इस महाव्रत को पूरा करने की शक्ति दो मुझे। तुम्हारा सती तो ही तुम्हारी शक्ति है विपुले। सर्वस्व समर्पण करके पति परमेश्वर के अमर प्रेम की तपस्या में अपने प्राणों को लय कर दो। जो आज्ञा मातेश्वरी, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति। जाओ, अपने महाव्रत के महातेज से समस्त ब्रह्मांड को हिला दो। सती के सत्य की सदा विजय होगी। धन्यवाद महासती, तुम्हारे पुण्य प्रताप से हमारी भटकती हुई प्रेत आत्माओं का उद्धार हो गया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय। अरे तुम रो रही हो? अरे नहीं, हंसो हंसो, आनंद मनाओ, आज मेरे बेटे का ब्याह होगा। ओ देखो, ओ देखो, उसकी बाप ने उसके लिए महल बनाया है। मेरे बहू का सौभाग्य अखंड है, अखंड है। आनंद मनाओ, मंगल गीत गाओ, मेरा लाल अमर हो गया, मेरा लाल अमर हो गया। मनसा नाग सब हार गए, सब हार गए, मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे महाराज, भगवान भोला शंकर ने मेरे लाल को बचा दिया। आ जल्दी चलो, अरे उठो उठो, बताऊंगी अपने लाल का स्वागत करूंगी, हार पहनाऊंगी, आरती उतारूंगी। बरस रही है आग पंथ पर, सुलग रही है ज्वाला, सतवंशी के मन में जगमग सत्काय अमर उजाला। ऋतुओं ने सौ सौ रंग बदले, किंतु न छोड़ी आस, किंतु न छोड़ी आस। जीवन दीप जलेगा पीका, उसका है विश्वास, उसका है विश्वास। निज सुहाग की रक्षा करने आगे बढ़ती जाती, अटल साधना भक्ति भाव से दीप रही दमकाती। रही तपस्या उनकी करती, भूला भूख और प्यार, पति परमेश्वर की पूजा में बीत गए थे मार, बीत गए थे मार। मेरे प्राणेश्वर, आज मेरी तपस्या पूर्ण होते ही हमारा मिलन होगा। जय माता जगदम्बे, जय महामृत्युंजय, जय पति परमेश्वर। आज मैं सतीत्व के गर्व को
जोर जोर कर दूंगा। जय जगदम्बे, जय महामृत्युंजय, जय पति परमेश्वर। विपुले, विपुले, मेरे परमेश्वर, सती की लाज रखी तुमने वहां से थी। जाग उठो स्वामी, जाग उठो। प्राणेश्वर, मेरे प्रियतम, मुझे भस्म कर, क्षमा करो सती, क्षमा करो। ऐसी माया है जगदम्बे, हे महामृत्युंजय, अगर मेरी पति भक्ति सच्ची है तो भक्त और भगवान, पति और सती के बीच में आने वाली माया अदृश्य हो जाए, उसका नाश हो जाए। ये कैसी कसर जमाता जगदम्बे, क्या अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, मेरा महाव्रत पूरा नहीं होगा? नहीं, सती के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, मैं अपनी अखंड तपस्या से ब्रह्मांड को हिला दूंगी और अपने प्राणेश्वर को अवश्य जगा दूंगी। सूर्यदेव, मेरे महाव्रत की साक्षी, आज तुम भी बादलों में मुझ पर भागे जा रहे हो, आज होकर संसार को मेरी हार का तमाशा सुनाने कि सती अपने पति के प्राण लौटा न सकी। पर नहीं सूर्यदेव, सावधान, आज मेरे हृदय में भी तुम्हारे जैसे सैकड़ों सूर्य की भीषण ज्वाला भी जग उठी, आज तुम भी अस्त नहीं हो सकते। रुक जा सूर्यदेव, रुक जा। जब तक मेरी तपस्या पूर्ण न हो, मेरा महाव्रत पूरा न हो, रुक जा सूर्यदेव, रुक जा। अगर मैंने मन वचन और कर्म से पति को ही परमेश्वर माना है तो मेरे सतीत्व की तेज से तुम्हारी गति वहीं रुक जाए। अब तुम नाश होगे, न उदय, न सती के वचन का समय पूरा होगा। जय जगदम्बे, जय पति परमेश्वर, जय महामृत्युंजय। रुक गई सूर्य की चाल, रुकी सूर्य की चाल, तटवंती के सत्य तेज से रुकी सूर्य की चाल, रुकी सूर्य की चाल। नहीं कहीं मिलता है पानी, तड़प रहे हैं प्यासे प्राणी, तेज सती का बढ़ता जाता, रवि भीषण ज्वाला बरसाता, हाहाकार मचा जनता में, बढ़ने लगा था, बढ़ने लगा था। श्री भक्त चंद्रधर, मनसा पूजन कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे पृथ्वी का नाश हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, मुझे अपने भोलेनाथ की भक्ति से कोई विचलित नहीं कर सकता। हम विचलित करना नहीं चाहते, शिव के साथ मनसा देवी की प्रतिष्ठा और पूजा चाहते हैं। शिव के साथ उस मायाविनी की प्रतिष्ठा मैं करूँगा। आपको मनसा पूजन करना होगा, नहीं तो हम आपका राज छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। आपके कारण हमारा ही नहीं सारी पृथ्वी का नाश हो रहा है। शान, शान, किसी के जाने की आवश्यकता नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। अगर मेरे और मेरी शिव भक्ति के कारण पृथ्वी का नाश हो रहा तो मैं ही चला जाऊंगा। आपको, इस चंपक नगर को, पृथ्वी को, सबको छोड़कर मैं अपने भोलेनाथ की शरण चला जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। शंभो, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
भोलेनाथ अंतर्यामी, मुझे किन पापों की सजा मिलेगी जो मेरी ही प्रजा मुझे अधर्मी अहंकारी कहकर पुकार रही, मेरे भोलेनाथ को छोड़कर मनसा की जय जयकार कर रही। शिव शंभो, शिव शंभो, पृथ्वी का कल्याण करो बिनापन, अपने क्रोध को शांत करो प्रलयंकर। कैलाशनाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो कैलाशनाथ, अपने अटल विश्वास की वेदी पर सर्वस्व चढ़ा चुका हूं और पुष्प और बिल पत्र चढ़ाने वाले इन हाथों से ये शीश भी समर्पित करता हूं। जय शिव शंभो, शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर भी भगवान सदाशिव में समा गया, मनसा को पूजन न देने के लिए बलिदान हो गया, शिव का भक्त शिव कन्या के कारण अमर हो गया। हाँ, वो अमर हो गया। नहीं देवी, चंद्रधर का ये बलिदान बलिदान नहीं, रावण की तरह अपनी भक्ति के अहंकार पर अपनी हत्या, आत्महत्या का महापाप लेकर चंद्रधर की आत्मा अशांत होकर शिव मिलन के लिए सदा कैलाश पर भटकती रहे, परंतु भगवान शंकर इसे कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं। तो फिर इसका क्या होगा मनीवा? यही माता मनसा की जय हो, जय माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। दया करो हम पर, दया करो देवी, हम सदाशिव और माता चंडिके के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। दया करो महादेवी, दया करो, कोप को शांत करो। ये कोप मनसा का नहीं, महासती विपुला का है। उस महासती ने अपनी महातेज से सूर्य को अस्त होने से रोक दिया है, तुम उसी के पास जाओ, वही इस संकट का निवारण कर सकती है। जो आज्ञा महादेवी। माता ममता की जय, सती विपुला की जय, माता ममता की जय, सती विपुला की जय, माता ममता की जय, सती विपुला की जय, सती विपुला की जय, सती विपुला की जय, सती विपुला की जय। कोप को शांत करो महासती, सूर्य देव को अपने श्राप से मुक्त करो। महासती, सूर्य की ज्वालाओं से पृथ्वी का नाश हो रहा है। सतीत की शक्ति से पृथ्वी का कल्याण करो, उसका नाश मत करो। एक पति के जीवन के लिए संसार के जीव मात्र को नष्ट मत करो। सती, मरकर कोई जीता नहीं, तुम्हारे कोप से सारे त्रिलोक में हलचल मच गई, सारा ब्रह्मांड कांप उठा है आज। भस्म होगी केवल पति के साथ सत्य की काया, जैसी जगदम्बे की इच्छा। जय महामृत्युंजय, जय महाभवानी। हे सूर्यदेव, मेरे वचन में बंधे हुए भुवन भास्कर, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। उदय हो, अपनी सुनहरी किरणों से संसार पर सुख और संपत्ति की वर्षा करते रहो। चमक उठी चिंगारी,
पति के साथ हो रही सती सुहागन नारी। जब तक है पाताल पे धरती, धरती पर अंबर है, जब तक सत है मेरे व्रत में, मेरा पति अमर है, मेरा पति अमर है। फूल बने ये अंगारे, जयमाल बने ये गाना, बने ये अंगारे, जयमाल बने ये गाना, जाग उठे स्वामी मेरे बन चंदा का उजियारा। जब तक मेरे सर पर अंबे जगदम्बे का कर है, जब तक सत है मेरे व्रत में, मेरा पति अमर है, मेरा पति अमर है। उठे गगन में अमर आत्मा, गगन में अमर आत्मा, देख के त्रिभुवन डोले, चिता बने सैया सुहाग की, झूले पवन डोले। जिसे मिला वरदान उसे फिर मरने का क्या डर है, जब तक सत है मेरे व्रत में, मेरा पति अमर है, मेरा पति अमर है। महादेव कुछ बोलो, नेत्र तीसरा खोलो, डम 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 डमरू बजा के, पलब की हुंकार सुना के, कालकूट विष पान के आज उसका असर दिखाओ। जागो हे शंकर प्रलयंकर, नेत्र तीसरा खोलो, नेत्र तीसरा खोलो। गगन हिल उठे धरा, डोले डगमग डग वसुंधरा, जल तल तल में जल हल चल, कल 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 उठे सिंधु लहरा। तो अपने हृदय तराजू तोलो, नहीं
घोर तपस्या ने तीनों लोक में हलचल मचा दिया है। तुम्हारी करुण पुकार ने भोलेनाथ को समाधि से जगा दिया। फिर भी मेरे सोए हुए स्वामी नहीं जागे। जगत माता, तुम्हारा सुहाग हमारे नहीं मनसा के आंचल में छिपा हुआ है। इसने मेरे पति के प्राणों को लौटा दो प्रभु। मनसे मनसे मनसे। प्रणाम पिताजी। प्रकट हो मनसे। क्षमा कीजिए पिताजी, श्राप की ज्वाला से जलती हुई शिवकन्या प्रकट होकर सती के महातेज को कैसे सह सकेगी। शिवकन्या? हाँ, मनसा भगवान शिव की मानस पुत्री है। श्राप की कसौटी पर सती के सत्य को कसकर उसमें चमक पैदा करने वाली तेजोमयी। क्षमा करो महादेवी, दर्शन दो। अपने श्राप से मेरा उद्धार करो महापति। वो श्राप स्वयं सत्य हो जाएगा जब तुम मेरे पति के बुझे दीप में फिर से जीवन ज्योति जगा दोगे। तुम्हारा सौभाग्य तो अमर है विपुले। तुम्हारे पति का जीवन मेरी माया के नागपाश में बंधा हुआ था, वो देखो। जागी जीवन जोत, जागी जीवन जोत, सत्य के पथ पर बढ़ती जाती, पथ पर बढ़ती जाती, सतवर्ती ने सत के बल से पाया जीवन साथी, पाया जीवन साथी, पाया जीवन साथी। माता मनसा की जय हो, माता मनसा की जय। विपुल जय मातेश्वरी जगदम्बे। जय भोलेनाथ। सती विपुल तुम्हारी जय हो। संसार में सती सीता और सवित्री की तरह तुम्हारा नाम भी सदा अमर रहे। तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कुछ मांगो। भगवान, मैं चाहती अपने पति के वियोग में झुरझुर कर जीवन बिताने वाले मेरे बहनों की सुहाग, मेरे पतिदेव के छह ज्येष्ठ बंधुओं का जीवन तथा शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। आज शिव शंभो। फिर ने पुकारा। मेरे जीवन दाता, 20 बरस बाद वही बात शुरू। तुम कैलाश पर कैसे? तुम मेरा ऋण चुकाए बिना अपने शिव के पीछे भाग रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे। मेरा शिव भोलेनाथ के चरणों में लौटने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे मेरे भोलेनाथ के दर्शन करा दो बालक। तारों का बलिदान करने पर भी तुम्हें शिव के दर्शन नहीं हुए? आश्चर्य, शायद शिव। बालक, 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 बालक। बालक, ये कैसा चमत्कार? समझ गया, समझ गया, पहचान गया। बालक रूप में ही मेरे सामने आ जाओ मेरे इष्टदेव। मुझसे क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे थे? शिव शंभो, शिव शंभो, शंभो मेरे देव। चंद्रधर, प्रभु, मैं तुझसे वही मांग रहा हूँ चंद्रधर जो तुमसे सारी पृथ्वी मांग रही, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी अर्धांगिनी मांग रही। मनसा की पूजा? हाँ, तुमने मनसा की पूजा का अनादर करके मनसा का अपमान किया, शिव भक्त होकर शिव कन्या का अपमान किया। मनसे, भगवान केवल भक्ति के भूखे, किसी के रक्त के प्यासे नहीं। भक्ति और श्रद्धा के नाम पर दिए हुए तुम्हारे आत्म बलिदान में सच्ची भक्ति नहीं, केवल अभिमान था। क्षमा करो, क्षमा करो करुणानिधि, क्षमा करो प्रभु, मेरी अज्ञान को दूर करो। चंद्रधर, सारे देवतागण एक ही अनंत शक्ति के भिन्न भिन्न रूप,
सर की भक्ति करके हाथ का अपमान करना चाहता है, प्रकाश की पूजा करके किरणों को तुच्छ समझना चाहता है। मेरी भूल को क्षमा करो नाथ। चंद्रधर, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा प्रायश्चित। जाओ वत्स, नाग देवी का पूजन करके सारे संसार में मनसा देवी की पूजा करवाओ। जो आज्ञा करो। नमस्कार। नमो मनसा। नमो मनसा। नमो मनसा। नाग देवी मनसा की जय। नाग देवी आप मातृ माता जगदम्बे की तरह दया करो माँ। माता मनसे की जय। कल्याणमस्तु। देख चंद्रधर, परम तेजस्वनी महासती विपुला और ये तुम्हारे सातों पुत्र। विपुले बेटा लक्ष्मण। पिताजी वीरेंद्र सुरेंद्र। महामृत्युंजय की जय। जय हो जगदम्बे भवानी की जय। जय हो माता मनसा की जय। जय हो माता मनसे की जय। रम्य शैले परितोषणान्विते विराजमानाम भवतापनाशिनिं स्वमक्रवांचाम परिपूर्णकारिणीं नमामि देवीं मनसाम पराम शिवाम। नमामि देवीं मनसाम पराम शिवाम।